हम लोग देखते हैं यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी? मतलब अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी होगी, होगी कि नहीं होगी? मतलब इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ही होगी यहां पर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड, वन मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर, ऑफ पर्टिकुलर टाइप गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मतलब एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो गैसियस फॉर्म में होगा, एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर? तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने बात की पानी के मॉलिक्यूल की, तो पानी का जो H2O मैं लूंगा यहां पर मैं लूंगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड मैं तोड़ूंगा तो एनर्जी इसके लिए कितनी लगेगी? तो यहां पर लगेगी डेल्टा जो H1 मतलब पहला OH बॉन्ड तोड़ने में लगेगी 498 किलो कैलोरी, ये निकल जाएगा H अलग और OH अलग, गैसियस फॉर्म में ही हो जाएगा ये। और अगर मैंने फिर से ये OH को तोड़ा, फिर से इस बॉन्ड को तोड़ा, तो यहां पर जो डेल्टा H2 आ जाएगी वो थोड़ी कम होगी, वो थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू बिफोर। तो यहां पर हो जाएगा 2H, है ना, 2H क्या, पहले से तो H मैं निकाल ही चुका हूं, तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो 2H हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइटम अलग अलग हो गए यहां पर, ठीक है। इसको हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम ही होगी इन दोनों की, जो ये हम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? एक एवरेज एनर्जी होती है, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो अगर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है आपको, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 आप जोड़ देना, बाई 2 कर देना, तो एवरेज निकल आएगा। तो डेल्टा H1 इज 498, 430 बाई 2 करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी 464 किलो कैलोरी। समझे कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट कर लोगे इतना? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट? अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड हैवर साइकिल, बॉन्ड हैवर साइकिल। बॉन्ड हैवर साइकिल थोड़ा ध्यान से देखना इधर पे, बॉन्ड हैवर साइकिल में दिस साइकिल was devised by बॉन्ड एंड हैवर, ठीक है, टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल टू अदर थर्मो डायनेमिकली
टू अदर थर्मोडायनेमिकली डेटा। तो दूसरे अदर डेटा की हेल्प से हम यहां पर लैटिस एनर्जी निकालेंगे। एक किसी ने मुझसे पूछा था अभी लैटिस एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले समझो कि लैटिस का मतलब क्या होता है। लैटिस का मतलब होता है जाल। अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है ना तो बहुत ये यूनिट जुड़ती आती है ना, और एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बना लेती है, दैट इज कॉल्ड जाल, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल। ये जाल बना लिया इसने, ठीक है। तो एक यूनिट जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, एक यूनिट ये जो मॉलिक्यूल जुड़ गया है, ठीक है, अब इसको एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, या एक मोल बॉन्ड बोल दो कि इसको बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जितनी लगेगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो वो चाहे आप इस एंगल से देख लो या फिर इस एंगल से देख लो कि अगर एक मोल लैटिस फॉर्म हुआ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, या फिर ये बोल दो कि एक मोल लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस इंथैल्पी। गॉट इट। तो यहां पर अब देखो कि फॉर एन एग्जाम्पल हम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, और हाफ मोल Cl2 ले लूंगा मैं, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में। तो अगर इसको मैं क्या करता हूं, फॉर्म करता हूं, तो यहां पर बन जाएगा हमारा NaCl सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो डेल्टा एच निकलेगा फॉर्मेशन वाला, ये हमको नहीं पता कितना निकलेगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाता कि सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन उसमें डाल दो, डायरेक्ट बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। तो ये साइकिल पूरा बताएगी कि कैसे बनता है, ठीक है, ये साइकिल समझाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले तो सोडियम को आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गैसियस फॉर्म में करेंगे तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है इतनी बात। फिर फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसको, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ये एटमिक फॉर्म में करना पड़ेगा इसको, तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में कर दो। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच कौन सी होगी, ये एटोमाइजेशन बोल दो, एटोमाइजेशन, ठीक है। इसकी फर्दर कराओ तो क्या बनेगा, यहां पर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाएगी। और जब ये आपको दोनों इस फॉर्म में और इस फॉर्म में मिलेंगे, तब जाके ये जुड़ेगा, क्या बनेगा, जुड़कर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही आप लोगों को, कोई डाउट, बोलो, क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से फॉर्म होगा। तो यहां पर आप समझ जाना कि अगर आपको ये लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, ये बन रहा है हमारा, यहां पर जो डेल्टा एच होगी वो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, समझे कि नहीं, लैटिस एनर्जी हो जाएगी। तो जो लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसका समेशन होगा, लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका समेशन होगा, सारी एंथैल्पी को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहां पर सब्लिमेशन जोड़ दो, ठीक है, आयोनाइजेशन जोड़ दो, और क्या जोड़ना है, एटमाइजेशन जोड़ना है, एटमाइजेशन जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जोड़ दीजिए, और लैटिस एंथैल्पी जोड़ दीजिए। अब ये नहीं पता मुझको कि वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, जैसी भी आएगी आपको रखना पड़ेगी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको रखनी पड़ेंगी यहां पर। समझ में आ गया ये आपको, ये जो हमने एडिशन किया है ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमें एक प्रोसेस से चलना था, तो इस प्रोसेस को सिखाया था किसने, हैस लॉ ने, तो इसी ये हैस लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने एडिशन किया है यहां पर। तो हैस लॉ हम जब लगाएंगे तो यहां पर
इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहां पर किसी को कोई डाउट? बोले जल्दी।